नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निडरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, सागर में एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। 26 लाख का गांजा पकड़ा गया है। जी हां, आपने सही सुना, गेहूं लोड करने पथरिया यार्ड में खड़ी थी मालगाड़ी और जीआरपी ने बोगी से 2 क्विंटल जब्त किया है गांजा। जी हां, हम आपको बता दें कि सागर जीआरपी ने पथरिया रेलवे यार्ड में खड़ी मालगाड़ी की बोगी से 2 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 26 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में जीआरपी गांजे के संबंध में जांच कर रही है। जीआरपी के अनुसार मालगाड़ी 17 से चलकर पथरिया रेलवे यार्ड में पहुंची थी और यहां से मालगाड़ी में गेहूं लोड किया जाना था। हम वालों ने गेहूं लोड करने के लिए बोगियों की सफाई शुरू की। इसी दौरान एक बोगी में करीब 11 बोरियाँ रखी मिली। उन्हें देखा तो बोरियों में गांजे जैसी पत्तियाँ भरी हुई थी। संदेह होने पर हम वालों ने जीआरपी को सूचना दी। खबर मिलते ही जीआरपी सागर टीम के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया है कि बोरियों में गांजा भरा हुआ है। गुरुवार को जीआरपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मालगाड़ी की बोगी से 2 क्विंटल 6 किलो 400 ग्राम गांजा कीमती करीब 26,40,000 रुपये में जब्त किया गया है। सागर जीआरपी थाना प्रभारी पीके अहरवाल ने बताया कि यार्ड में खड़ी मालगाड़ी की बोगी से 2 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त हुआ है और गांजा लावारिस हालत में रखा था। और गांजा किसका है और कहां से बोगी में चलाया गया था, इसकी जांच की जा रही है। दिनांक 7/12/21 को एक सूचना मिली थी। पथरिया यार्ड में एक कवर्ड मालगाड़ी आके खड़ी हुई थी, तो उसमें गेहूं लोड होना था, जिसमें हिमाल लोगों ने बोगियों को साफ कर रहे थे। साफ करने समय उनको 10-11 बोरियों वहां पे अंदर बोगी में दिखी। उन्होंने उसको देख के आरपीएफ को बताया। जिन्होंने देखा तो उसमें हरी सूखी हुई पत्तियां गांजे टाइप की उनको एहसास हुआ, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिस पर से हमारा स्टाफ के वहां पे पहुंचे, जाके वहां पे देखा, उनको चेक किया, केमिकल्स वगैरह और ड्रग्स किट के हाथ में चेक करने पर पाया कि ये गांजा है। इसके बाद फिर उसकी विधिवत कार्रवाई की गई। विवेचना में तो गांजा होना स्पष्ट पाया गया है और उसकी मौके पर तौल की गई है, जिसमें 2 क्विंटल 64 किलो 400 ग्राम गांजा उसमें है जब्त है। कीमत आंकी जा रही 26 लाख। वही मालगाड़ी कहां से चली थी और किस किस स्थानों पर कितने देर रुकी थी, ये संबंधित जानकारी भी पुलिस खंगाल रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी खेप मिली है गांजे की, 26 लाख रुपये का गांजा पुलिस ने पकड़ा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।